तो आज हम साउथ इंडियन सिनेमा से आने वाली 10 बड़ी पीन इंडिया फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2022 में और 23 में रिलीज होने वाली है। साउथ इंडियन सिनेमा से काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है जो कि पीन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है, और इसका पार्ट वन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जो कि आप सभी लोग जाकर देख सकते हो। पार्ट वन की जितनी भी फिल्में हैं इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं की गई है, तो जाओ पार्ट वन पहले देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइक बटन दबा दीजिए। और टॉप 5 के अंदर बहुत ही खतरनाक खतरनाक फिल्में ऐड की गई हैं, तो प्लीज उन फिल्मों को मिस मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। रोल कैमरा, रोल इन एंड एक्शन। नंबर 10 प्लेस पे विक्रांत रोना। KGF 2 और 3340 जैसी बेहतरीन फिल्म के बाद कनाडा सिनेमा से एक नई पेन इंडिया फिल्म आने वाली है जिसका नाम है विक्रांत रोना। विक्रांत रोना एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिस फिल्म को 95 करोड़ के बजट पर बनाया गया है। इस फिल्म को 28 जुलाई को रिलीज़ कर रहे हैं और ये फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। इस फिल्म में हम सभी को सुदीप, नीरू भंडारी और नीता अशोक दिखाई देने वाली है। फिल्म के लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि मैं इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। Once upon a time, there was a devil. नंबर 9 पे लाइगर। लाइगर विजय दोरकोंडा की आने वाली पहली पीन इंडिया फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, और ट्रेलर में विजय काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ट्रेलर में अनन्या पांडे बहुत 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 बिलो एवरेज लग रही हैं। ये फिल्म एक स्पोर्ट एक्शन फिल्म होगी। फिल्म में विजय दोरकोंडा के साथ अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस दिखाई देने वाली हैं। फिल्म में रामा कृष्णन, रोनित रॉय और माइक टायसन का भी इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्शन दी है पूरी जगन्नाथ जो कि अपनी मासी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। तो देखते हैं ये फिल्म कैसी होती है। इस फिल्म को 25 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं, और आप सभी को याद ही होगा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप सभी को, अर्जुन रेड्डी जो कि विजय दोरकोंडा की एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ये फिल्म भी 25 अगस्त को रिलीज हुई थी। तो देखते हैं ये फिल्म अर्जुन रेड्डी ऐसा धमाका कर पाती है या नहीं। नंबर 8 पे एजेंट। एजेंट इंडियन सिनेमा से आने वाली एक स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है, और ये अकील एकिनेनी की पहली पीन इंडिया फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का 1 मिनट 17 सेकंड का टीजर भी रिलीज हो चुका है और टीजर में एक्शन काफी सही लग रहा है। What a wild ride. इस फिल्म में अखिल अकिनेनी एक रॉ एजेंट का रोल प्ले करने वाले हैं। फिल्म में ममूटी और साक्षी वैद्या भी दिखाई देने वाली हैं। डायरेक्शन दी है इस फिल्म को सुरेंद्र रेड्डी, और ये फिल्म पहले 12 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन अभी इस फिल्म को दिसंबर के महीने में रिलीज करने वाले हैं 2022 के मौके पर। ये फिल्म थोड़ा डिले होने वाली है। Death Note has already been written, sir. नंबर 7 पे दसरा। ये नेचुरल स्टार नाने की आने वाली पहली पीन इंडिया फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को मैसिव स्केल पर बनाया जा रहा है, और ये फिल्म बड़ा धमाका कर सकती है। इस फिल्म में नानी काफ़ी मास और एक्शन पैक रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, और ये फिल्म एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में नेचुरल स्टार नानी के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे श्रीकांत ओडेला, म्यूजिक होने वाला है संतोष नारायणन का, और ये फिल्म 2023 से रिलीज होने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म को 2023 से रिलीज करने वाले हैं। नंबर 6 पे टाइगर नागेश्वर राव। ये मास महाराजा रवि तेजा की आने वाली पहली पीन इंडिया फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में हम सभी को टाइगर नागेश्वर राव की कहानी देखने मिलेगी जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही नोटोरियस थीफ था, और फिल्म की कहानी 1970 में सेट होने वाली है। इस फिल्म में हम सभी को रवि तेजा, नूपुर सैनन और गायत्री भारद्वाज दिखाई देने वाली है। फिल्म को डायरेक्शन दे रहे वामसी, और ये फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली है। फिल्म को काफ़ी बड़ी स्केल पर बनाया जा रहा है, और ये फिल्म में रवि तेजा काफ़ी हटके अवतार में दिखाई देने वाले हैं जो कि आप सभी लोग देख सकते हो। नंबर 5 प्लेस पे हनुमान। हनुमान इंडियन सिनेमा की आने वाली एक पीन इंडिया सुपर हीरो फिल्म होने वाली है, और ये फिल्म छोटा पैकेट में बड़ा धमाका है। अगर फिल्म अच्छी होती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कलेक्शन करने वाली है, और ऑडियंस से भी इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। इस फिल्म में हम सभी को तेजा सज्जा और अमृता अय्यर दिखाई देने वाली है। डायरेक्शन दे रहे प्रशांत वर्मा, और ये प्रशांत वर्मा जो कि खुद की एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बना रहे हैं उसकी पहली फिल्म होने वाली है। फिर उसके बाद इसी यूनिवर्स में अधीरा आने वाली है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी फिल्म आने वाली है। अगर आप सभी लोग प्रशांत वर्मा को नहीं जानते हैं, प्रशांत वर्मा काफ़ी टैलेंटेड डायरेक्टर है जो कि कल्कि और जॉम्बी रेड्डी जैसी सुपर हिट फिल्में बना चुके हैं। इस फिल्म को 2022 में रिलीज करने वाले हैं। डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन ये फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है।
नंबर फोर प्लेस पे RC-15। ये एक्टर रामचरण की आने वाली 15वीं फिल्म होने वाली है एज अ लीड एक्टर, जिस फिल्म को डायरेक्शन एस शंकर दे रहे हैं। ये फिल्म एक बिग बजट पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिस फिल्म को 180 करोड़ के बजट पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म में हम सभी को रामचरण के साथ कियारा एडवाणी दिखाई देने वाली है, और फिल्म में रामचरण डबल रोल प्ले कर रहे हैं, और फिल्म में म्यूजिक थमन का होने वाला है। इस फिल्म को 2023 तक रिलीज करने वाले हैं। नंबर थ्री पे NTR-30। RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद NTR-30 जूनियर NTR की अगली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जो कि एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को 300 करोड़ की बड़ी बजट के साथ बनाने वाले हैं। डायरेक्शन देने वाले कोराटाला सिवाय, कोराटाला सिवाय के साथ जूनियर NTR जनता गैरेज जैसी हिट फिल्म कर चुके हैं। लेकिन आप सभी को याद ही होगा कोराटाला सिवाय की पिछली फिल्म आचार्य एक बहुत ही बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है। तो क्या लगता है आप सभी को NTR-30 से कोराटाला सिवाय एक अच्छा कमबैक कर पाएंगे? यस और नो करिए आप सभी को बताना है। इस फिल्म में म्यूजिक देने वाले हैं अनिरुद्ध, और ये फिल्म 2023 तक रिलीज होने वाली है। नंबर टू प्लेस पे प्रोजेक्ट के इंडियन सिनेमा की आने वाली एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को अप्रोक्स 550 करोड़ के बजट पर बनाए जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म की कहानी फ्यूचर वर्ल्ड में सेट होने वाली है। इस साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग हिंदी और तेलुगु भाषा में एक साथ हो रही है, और इस फिल्म का डब वर्जन तमिल, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश और कई और भाषाओं में रिलीज होने वाला है। इस फिल्म में हम सभी को प्रभास, अमिताभ बच्चन जी, दीपिका पादुकोण और दिशा पठानी दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी और फिल्म को डायरेक्शन नाग अश्विन दे रहे हैं, जो कि महानती ऐसी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं, और ये फिल्म को 2024 तक रिलीज करने की तैयारी चल रही है। नंबर वन पे है थलापति 67। विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज थलापति 67 को डायरेक्शन देने वाले हैं। थलापति 67 विक्रम जैसी एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। ये फिल्म में गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में विजय के साथ समंता दिखाई देने वाली है। इस फिल्म में विजय काफ़ी मैच्योर रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में वो 50 साल के गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, और समंता इस फिल्म में एक कॉप का रोल प्ले करते हुए दिखाई देने वाली हैं। ये फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू होने वाली है, और ये फिल्म 2023 तक रिलीज होने वाली है। वैसे बहुत कमाल की बात यह है कि ये फिल्म भी लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स की फिल्म हो सकती है। इस यूनिवर्स में अभी तक कैथी और विक्रम जैसी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में आ चुकी हैं। तो ये थे इंडियन सिनेमा से आने वाली 10 रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैन इंडिया फिल्में का पार्ट टू। आप सभी को पार्ट वन देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप सभी लोग देख सकते हो। मुझे यकीन है आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यार, कर लीजिए, शुक्रिया।